एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ये जो फेस पे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और फोड़ी फुंसियाँ होने लगती है, ये क्यों होती है? क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमें ये पिंपल्स, एक्ने क्यों हो रही है, हमें डार्क स्पॉट्स क्यों हो रहे हैं, पिगमेंटेशन क्यों हो रहे हैं? बस हो गई है तो बाहर का भी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो बाहर के होते हैं उसके ऊपर आँख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, चेकआउट भी करने की कोशिश नहीं करते, ये चेक करने की कोशिश नहीं करते कि उसमें कितना केमिकल है। कोई तो पढ़ते भी नहीं है उसके इंग्रेडिएंट्स, और पढ़ते भी है तो उसके बारे में सर्वे नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं कि उसका कितना गहरा असर अपनी स्किन पर होगा। दोस्तों, आज मैं बात इसी रिलेटेड करने वाली हूँ। सो दिस इज समिता कोठारी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि आज आप लोग जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो आप लोग को लगता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं ना, क्रीम लेके हाथ में चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि हाथ की स्किन पे अगर मैच कर गया, हाथ की स्किन में कोई एलर्जी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली अपने फेस की स्किन पर भी एलर्जी नहीं होगा। तो ये बहुत उनकी गलत फहमी हो जाती है, और इसके चलते आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका असर, वो जो आप स्किन लगाते हो, जो भी बाहर के प्रोडक्ट्स है, फेयर एंड लवली है, बहुत कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स निकले हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स, ये जो ये बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो दावे करते हैं कि यू लुक फील एंड यंगर एंड आप अच्छे दिखोगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, इस सॉफ्टर होगी। इट्स आई वोंट बिलीव दैट, बिकॉज मैं बहुत ही स्किन को लेकर कॉन्शियस हूँ। मेरा पर्सनली ये खुद का मानना है कि आप जितने सिंपल रहोगे उतने सोबर लगोगे, और आप नेचुरली ब्यूटी अपने बॉडी में, अपना जो होल बॉडी, अपनी होल जो स्किन है, अपनी फेस की स्किन है, उसे किस तरह से नेचुरली आप ब्यूटीफुल रह सके, आप किस तरह से नेचुरली ब्यूटी है, आपका जो ब्यूटी है अंदर का जो ब्यूटी, इनर ब्यूटी, आप किस तरह से उसे एनहेंस कर सके अपने स्किन पे, वो जो आपका नेचुरल ब्यूटी दिखे, इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग स्किन को लेकर, बहुत सारे लोग अवेयर भी होते हैं, तो कुछ लोग अवेयर होने के बावजूद भी ये गलतियाँ करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि हाँ, बाहर के प्रोडक्ट से उन्हें उनकी स्किन में इफ़ेक्ट नहीं होगा। और कुछ तो मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्गेनिक का दावा करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, और जो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं। सो मैं आज ऐसे ही बात करने वाली हूँ कि आप घर पे ही नेचुरली अपनी स्किन की ब्यूटी को, इनर ब्यूटी को, जो सालों साल आप किस तरह से बरकरार रख सके, और अपनी स्किन में वो ग्लो, वो जवान किस तरह से आप कितने भी आप बूढ़ी भी हो, आफ्टर 40 भी अगर आप जवान दिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे, उसके बावजूद भी आपकी इनर ब्यूटी ज़्यादा एनहांस हो, अंदर से आप खूबसूरत लगे, और एनी टाइम आपको किसी भी मेकअप करने की ज़रूरत ना पड़े और आप एनी टाइम ब्यूटीफुल लगे, तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और सो प्लीज़, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सबको ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को वीडियो मेरा ये शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन बताइएगा कि आप बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ ना करके आप ये हमारा जो ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए, कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल कैसे लग सकते हो, नेचुरली घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से आप अंदर से भी खूबसूरत लगो और सालों साल खूबसूरत बने रहो, और आपको बाहर ही जो चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं लगानी है जो केमिकल वाली हो, ठीक है? तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आपको इनर ब्यूटी एनहांस करने के लिए आपको काम करना पड़ता है इंटरनली। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने बालों के लिए वीडियो बनाया था, जो इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए बनाया था। इंटरनली आपको काम करना होता है। देखिए, इंटरनली ब्यूटीफुल दिखने के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, जैसा हम अंडा खाते हैं वैसा अपना मन होता है, उसी तरह से अपना तन भी खिलता है। तो उसी तरह से अगर आप फ्रेश चीज़ें खाते हैं, आप फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल करते हैं, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात आपका गट, अगर आपका गट अच्छा है, आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छी तरह से हो रहा है,
और आपका जो रूटीन है, आप डेली का जो रूटीन है, आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हैं, अगर आप पूरे दिन के दौरान बहुत पानी पीते हैं और फ्रेश जूसेस, फ्रेश होल फ्रूट्स अगर आप लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खाते हैं, सलाद ज़्यादा खाते हैं, तो इनर ब्यूटी वैसे ही आपके चेहरे पे झलक उठती है। तो आई थिंक कि उसके लिए आपको बाहर कुछ एप्लीकेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं, बाहर कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका गट एरिया साफ रहेगा, आपका अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका जो आप खाना खाते हैं, अगर आप वो आपका डाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है और आपका गट अच्छा है, आपका रोज़ आपका स्टूल अच्छी तरह से पास हो रहा है, आपके बॉडी का रोज़ डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह से हो रहा है, अगर आप सवेरे उठकर रोज़ 2 ग्लास पानी पीते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, उसमें अगर लेमन वाला पानी लेते हैं, आप मैं जैसे कि मैं अपना रूटीन रखती हूँ कि सुबह अगर उठती हूँ तो मैं कभी लेमन और हनी वाला पानी पीती हूँ, तो कभी अदरक लेमन हनी वाला पीती हूँ, तो कभी अधिकतर मैं हल्दी लेती हूँ, कि जिससे क्या होता है कि पूरा बॉडी अपना जो है डिटॉक्स होता है, अपने इंटेस्टाइंस क्लीन होते हैं, क्लीन होने की वजह से तो अपना अगर इंटेस्टाइन क्लीन होगा, अपना गट एरिया क्लीन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई एक्ने, पिंपल्स जो भी है, ब्लेमिशेस वो नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी इंटरनल सिस्टम अगर साफ़ होगा तो वो बाहर भी साफ़ ही दिखेगा। और आपका ब्लड अगर साफ़ होगा, जितना ब्लड आपका साफ़ होगा उतनी आपकी स्किन यूथफुल और यंग दिखेगी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात आता है कि आपका डाइट, पर डाइट आप अगर अच्छे से खाएंगे, बाहर की चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करेंगे और अगर घर की चीज़ें आप खाएंगे, फ्रेश खाएंगे, तो आपका गट और आपका जो डाइजेशन अगर इम्प्रूव रहेगा, इंटेस्टाइन आपके क्लीन रहेंगे, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा हर रोज़ या वीकली अगर आप डिटॉक्सिफाई करते हैं तो भी आपका स्किन यूथफुल बना रहेगा। आपके आप देखेंगे कि आपको कोई डार्क स्पॉट्स, एक्ने नहीं आएंगे। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज, आपको फेस योगा एक्सरसाइज करना आफ्टर 40, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फेस योगा एक्सरसाइज करना, योगा एक्सरसाइज करना वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सनलाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन के लिए। आप देखेंगे कि 7 to 8 hours आपको सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि जितना आप अगर प्रॉपर ब्यूटी स्लीप भी लेते हैं तो भी डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सारे प्रॉब्लम वैसे ही निकल जाते हैं। तो आप इतना ज़्यादा अगर अपने रूटीन पे ध्यान देंगे, आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो स्किन वैसे ही आपकी यूथफुल बनी रहेगी। और आप खाना अगर ऐसा खाएंगे जो ज़्यादा रॉ फॉर्म में फ्रेश फ्रूट्स, होल फ्रूट्स और होल वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे, और जितना ज़्यादा हो सके तो आप स्टीम्ड और रॉ फॉर्म में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड लेंटिल्स लाइक ग्रीन को खाएंगे, उतना ही आपको आपका स्किन ग्लो करेगा। और फाइबर अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका गट एरिया भी इम्प्रूव होगा, आपको इनडाइजेशन यानी कि आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका डाइजेशन आपको प्रॉपर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी आप फूडी फंसी आए हैं वो भी ऑटोमेटिकली आपका जाएगा। और इसके साथ साथ अगर खून आपका साफ है, खून आपका अगर आप डिटॉक्सिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि सुबह अगर आप सवेरे हल्दी भी लेते हैं, सवेरे जैसे कि मैं लेती हूँ हल्दी में शहद मिलाकर 1 चम्मच लेती हूँ, और उसके ऊपर अगर गर्म पानी पीते हैं या गाय का भी दूध पीते हैं, तो वैसे ही आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करने लगेगी और आपको ऊपरी मेकअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो था इंटरनली ब्यूटी टिप्स जो मैंने आपको बताया था, और मेरी स्किन की ब्यूटी राज मैंने आपको आज शेयर की है। तो और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप अगर अपने खाने में सिट्रस फ्रूट्स यानी कि आप विटामिन सी वाली फूड अगर ऐड करेंगे, विटामिन ए सी ई जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले अगर फ्रूट्स वगैरह अगर आप ऐड करेंगे, वो अगर ऐसे न्यूट्रिएंट वाले फ्रूट खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ब्यूटी वैसे ही एनहेंस होगी, जिसे हम कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि मैडम आपका ये राज बताएं, तो आज ये मैंने अपना राज बताया है। सो ये तो था इंटरनल ब्यूटी का राज जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप ये मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और सभी को ये मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।